नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। एक तो कोरोना का बढ़ता कहर और दूसरी तरफ होली जैसा त्योहार। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का त्योहार भी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ ऐसी दिखी कि लगा कोरोना भी डर कर भाग गया हो। मथुरा में होली राधा कृष्ण के प्रेम पर्व के रूप में मनाई जाती है। यहाँ कई तरह की होली मनाने की परंपरा है। लड्डू होली, लठमार होली, इसी तरह से आपने कभी देखी है कपड़ा फाड़ होली? नहीं देखी तो देखिए कैसे भाभियों ने फाड़ डाले देवरों के कपड़े और मारे फोड़े। ब्रज होरा में भी दाऊ जी का जो होरंगा है उसकी कोई मिसाल नहीं। मतलब जिसने होरंगा नहीं देखा उसने होली का रस लिया ही नहीं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं कई बार मथुरा में मुझे रहने का मौका मिला, प्रभु ने मुझे अवसर दिया और वही यादें ताज़ा हो गई। तो मुझे फिर लगा कि होरंगा का मुझे आनंद उठाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ होली में और इतना मजा आ रहा है। यहाँ पे एकदम कपड़ा फाड़ होली हो रही है, जो महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ रही है, बहुत मजा आ रहा है देखने में और मैं हर बार आऊंगी। अब फिर बहुत अच्छा लगा, इतने रम कर रहे हैं। वृंदावन और दाऊजी की होली देखने के लिए आया हूँ और बहुत मजा आ रहा है। ये मेरा दूसरा बार मैं आया हूँ दाऊजी की होली देखने और महिला जिस तरह से जो सबका कपड़ा फाड़ कर सबको मार रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मारना चाहिए। दाऊजी मंदिर में कपड़ा फाड़ होली सबसे निराली है। होली की मस्ती छाते ही यहाँ कपड़ा फाड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रंगों की बारिश के लिए खास इंतजाम किए गए थे। रंग और अबीर का ऐसा संगम होता है कि रंगों के बादल जैसा समा बंध जाता है। इसमें पूरा मंदिर परिसर रंगीन रूप में नजर आता है। इस दौरान स्थानीय महिलाओं जिन्हें हुरियारिन कहा जाता है, उन्होंने अपने देवरों जिन्हें हुरियारे कहते हैं उनके कपड़े फाड़े और उन पर जमकर कोड़े बरसाए। इस तरह की अनोखी होली सिर्फ यहीं देखने को मिलती है। इस उत्सव में हर कोई राधे कृष्ण और बलदाऊ के जयकारे लगाता नजर आया। देश के बाकी हिस्सों में होली का त्योहार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कृष्ण नगरी मथुरा में अभी भी इसका खुमार छाया हुआ है। खास बात है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बावजूद लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं दिखी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।